नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नील और आप देख रहे हैं रॉयल क्रिएटर्स। आज आपको बहुत रोचक तथ्य और बड़े बड़े खुलासे करने वाला हूं सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड। सो आप वीडियो को अंत तक देखिए बिना स्किप किए हुए, और सुशांत सिंह को इंसाफ देने के दिलाने के लिए वीडियो को 5K लाइक तक कर दीजिए। पहली सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है दीसा सालियान से रिलेटेड, जो कि सुशांत की एक्स मैनेजर थी। वो आदित्य पंचोली के बेटे सूरज पंचोली के साथ रिलेशनशिप में थी, बट ये उनका रिलेशनशिप हिडन था, वो रिवील नहीं था। और साथ ही साथ इस रिलेशनशिप को कैरी फॉरवर्ड करते हुए वो प्रेग्नेंट हो गई थी। दिशा सूरज के साथ शादी करना चाहती थी, बट सूरज ने उनको अबॉर्शन करने को कहा, बट दिशा ये मानने को तैयार नहीं थी। दिशा सुशांत के काफ़ी क्लोज थी और अपनी सारी बातें शेयर किया करती थी, और उन्होंने प्रेग्नेंट वाला केस भी सुशांत को बता दिया था। जिस दिन दिशा की मौत हुई थी उस दिन सुशांत से कॉल पर बात कर रही थी, और उतने में सूरज उनके फ्लैट पर आए थे, तो दिशा ने सुशांत को कॉल रखने को कहा। कॉल रखने के कुछ समय बाद संदीप का कॉल सुशांत को आता है कि दिशा ने 14 फ्लोर से कूदकर सुसाइड कर लिया। सुशांत सब कुछ समझ गए थे, ये सुसाइड नहीं मर्डर है। सुशांत अपनी आवाज़ उठाना चाहते थे और मीडिया में सारा काला सच बाहर निकालना चाहते थे। ये सारी बात सुशांत ने अपनी गर्लफ्रेंड रिया और अपने दोस्त संदीप को बताई। फिर वो दोनों ने सुशांत को मना किया कि ऐसा मत करो, इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, पर सुशांत कहाँ मानने वाले थे। इस बीच रिया ने ये सारा डिटेल्स महेश भट्ट को बता दिया और संदीप ने सूरज को बता दिया। सलमान खान और महेश भट्ट बॉलीवुड माफिया और पॉलिटिकल पार्टी की मदद से सुशांत का मर्डर प्लान करवा दिया, और इसके मेन कल्प्रिट रिया और संदीप बन के रह गए।